पैडल, उसने भाई पैडल नहीं ले रही है। देखो सात से ऊपर, छः सात पाँच छः छः सात बस रेस इतनी ले रही है। पैडल मैंने पूरा दबा दिया है, ले नहीं रही है। स्पीड छः सात, इंजन चेक लाइट भी आ गई इसमें। इसने भी कार्ड का लगाओगे तो स्टार्ट बैठा भाई, देखता रहा अभी क्या होता है इसको। इसलिए अगर मैं इतनी दूर आया हूँ बात में, चलो ऐसे ही चलो अभी ले गए, देखते इसने कंपनी में। अरे छोड़ गया कहती छोड़ गई, या प्रॉब्लम है इसमें है ना। अरे लाइट भी आ गई ना, इंजन चेक लाइट, सो वायरिंग डाल के देखेंगे नई वाली दोबारा, दूसरे चक्कर पर जब देखेंगे वायरिंग डाल के। तो गाइस ये प्रॉब्लम है इसमें। इस तरह करे कति बना ले रही रेस, ये तो वहां तक रोने थे ले जाके दिक्कत देगी। पैडल पूरा दे रखा है, रेस गाड़ी ले नहीं रही है। ABS 6 जिसमें की वायरिंग की प्रॉब्लम थी, पैडल नहीं ले रही थी गाड़ी, तो हमने इसमें वायरिंग डाली है अभी। और अभी मैं बैटरी की तार लगाता हूँ इसके, बैटरी की तार लगाने के बाद देखते हैं। दस नंबर की चाबी देना, वही रखी है गियर बॉक्स के ऊपर। ठीक है अब दिखाते हैं वायरिंग, ये कपलर भी लग गए हैं इसके, वायरिंग लग गई है इसकी यहाँ की, ये इग्निशन कोयल, ये इंजेक्टर, ये मैप सेंसर, ये थ्रोटल बॉडी, थ्रोटल बॉडी के बाद ये मेन वायरिंग है इंजन की, और सेल्फ के ऊपर का भी 8 नंबर का बोल्ट लगा दिया है। तो ऊपर की तरफ देखते हैं अभी, तो यहाँ से एक अर्थ की तार थी यहाँ पर 10 नंबर की, उससे यहाँ लगाई है, और ये अल्टरनेटर के ऊपर भी लगा दिया 10 नंबर की। उसके बाद यहाँ भी कपलर जोड़ दिए हैं इसके, क्रैंक सेंसर भी नीचे जो देख रहे हो आप एक यहाँ पे बेल्ट के पास, तो जैसे कि दिखा दो मैं उंगली के पास से यहाँ से, ये एक मिनट, ये जिस पे मेरा हाथ लग रहा है ये क्रैंक सेंसर है, क्रैंक सेंसर के बाद रिचर्ड नहीं है, तो चाबी ऑन करते हैं अभी, चाबी ऑन कर दी है, लाइट मीटर के अंदर एक लाइट आई हुई है बस, सर्विस वर इसकी लाइट है, गाड़ी चली है 30,373। तो एक बार TDS लगा दिया हमने गाड़ी में, TDS के बाद देखते हैं अभी कोई फॉल्ट वगैरह कोई आ तो नहीं रहा है। एक सेकेंड, तो अभी पैडल दबा के स्टार्ट करके देख रहे हैं, गाड़ी को न्यूट्रल देख लेते हैं, न्यूट्रल है, पैडल दबाऊं, पहले गाड़ी रेस नहीं ले रही थी, अब गाड़ी रेस ले रही है। कोई फॉल्ट वगैरह है तो एक बार ट्रायल पे जाएं, रोड पे भी देखें एक बार चला के, मैं जा रहा हूँ तो एक बार सीट लगाते हैं। नहीं नहीं कुछ मत रख, नहीं नहीं कुछ मत रखो, नहीं नहीं तो अभी टापा लगा रहे हैं इसका, टापा लगाने के बाद वही कह रहा था मैं, तो अभी ट्रायल बोल्ट ले लेते हैं, तो अभी स्टार्ट करते हैं, अभी ट्रायल पे जा रहे हैं, व्हीकल टेस्ट जगह मैंने यहाँ लगा दिया है, ये दो हटा दो, व्हील चोक हटा दिए कुछ भाई हटा दिए,
हटा, अरे ये भी बंद कर दो एक बार, इसका बैटरी का टप्पा भी बंद कर दियो, थोड़ा शीशा अंदर कर दो। तो ये भी बंद हो गया है, स्टार्ट हो गया, लाइट वगैरह कोई है नहीं, तो चलो तीसरे गियर में गाड़ी है 34 की स्पीड पे चलेंगे इसको, 5-10 किलोमीटर चलाएंगे फिर देखते हैं कि पैदल छोड़ती है नहीं छोड़ती है गाड़ी। जॉब कार में स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, क्लच चेक है, रेस प्रॉब्लम है, हाँ वो पैडल की स्टार्टिंग प्रॉब्लम अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं है गाड़ी में, फुल पंजा दे रखा है रेस का, रेस के बंद का है, फुल पंजा दे रखा ना, हाँ तो कुछ बनी गई अभी, दोबारा एक पर्चा छोड़ो दोबारा दियो, अब दोबारा दो, अब चढ़ेगी, हाँ सही ना, मतलब अब ठीक है पंजा, मतलब कोई दिक्कत नहीं दे रही ना, रेस वेस छोड़ रही हो कभी, कोई दिक्कत वही तक क्या मिसिंग में ले रही हो रेस में नहीं, हाँ वो स्पार्कल ये दिक्कत होगी कोई ना, पर रेस की तो कोई दिक्कत नहीं ले रही ना, अब तो छोड़ रही तो रेस नहीं छोड़ रही है गाड़ी, अभी फुल पंजा दिया हुआ है, 60 तक की 60-65 चल रही है गाड़ी, और हमने 8 किलोमीटर गाड़ी को चला दिया है,